हेलो नमस्कार, जय हिंद। हम लोग बात करने वाले हैं यूपी SSSC प्रवर्तन सिपाही या इन्फोर्समेंट कांटेबल के मेंस एग्जाम फीस के बारे में और मेंस एग्जाम डेट्स के बारे में। हालांकि पीछे हम कई बार आपको बता चुके हैं कि मेंस का एग्जाम फी तभी सबमिट होगा जब एग्जाम डेट मेंस के लिए आ जाएगा। जब एग्जाम डेट आ जाएगा तो उसी समय लिंक ओपन होगा, उस समय एग्जाम फीस सबमिट होगा। अब जब तक एग्जाम होगा तब तक आपका सबमिट होगा, लगभग 2-3 दिन पहले तक सबमिट होगा। तो इसके लिए आपको छूटने वाला नहीं है, परेशान ना हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे आप जब डेट आए तो आपको पता लग जाए। कुछ बच्चे कोर्स के बारे में बात कर रहे थे, उनको मैं बता दूं कि कोर्स मैंने काफ़ी हद तक पढ़ा दिया है, 50 घंटे से भी ज़्यादा का कोर्स मैंने पढ़ा हुआ है। प्लेलिस्ट बनी हुई है इन्फोर्समेंट कांस्टेबल पार्ट 1 नाम से, वहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हैं, एपिसोड बाई एपिसोड पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद 35-40 घंटे तक मैंने प्रैक्टिस भी कराया हुआ है, तो वो भी इन्फोर्समेंट कांस्टेबल प्रैक्टिस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ जाकर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ बच्चे नए बैच के बारे में बात कर रहे थे, तो नए बैच अभी कोई मतलब नहीं होगा नए बैच लॉन्च करने का ना। आपके इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के सिलेबस पर काफ़ी रिसर्च किया है मैंने और 6 महीने से वहीं कर रहे हैं हम लोग, आप भी कर रहे हैं मेरे साथ साथ, हम भी कर रहे हैं, तो 6 महीने से वहीं कर रहे हैं हम लोग, तो काफ़ी रिसर्च इस पर करके रखे हैं। तो आप परेशान ना होइए, अभी बैच लॉन्च करने का कोई मतलब नहीं है, जब डेट आ जाएगा तो बैच लॉन्च कर दूंगा। और इस बात की गारंटी है कि जो भी द्रोण जीएस रिसर्च सेंटर से जुड़े होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि लगभग सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। इसके लिए हम हर लिमिट तक आपका साथ देंगे और आपको भी अब हम मेरा साथ देना होगा। तो जिस दिन से एग्जाम डेट आ जाएगा उस दिन से एक दिन में 4-5 घंटे का हम समय आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपके लिए स्पेशल समय रख देंगे और बैच लॉन्च कर देंगे। तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसकी एग्जाम डेट संभावित क्या है, तो संभावित तो कुछ अनुमान कुछ अलग होता है इनका, इन लोगों का UP SSSC का रूल ही अलग है। पेट का आवेदन लॉन्च नहीं किया या करने वाले भी हैं कि नहीं इसका भी कुछ पता नहीं है। तो 2-3 एग्जाम अभी फंसे हुए हैं UP SSSC के, वो क्लियर हो जाएंगे तो इन्फोर्समेंट का नंबर आ जाएगा। अभी एक आध टाइपिंग फंसा हुआ है और एक आध एग्जाम फंसा हुआ है, तो इसमें मान के चलिए कि अक्टूबर नवंबर में इसका डेट संभावित है। फिर भी संभावना तो संभावना ही होता है, फिर भी जब भी आए इसको फोड़ कर रखेंगे, परेशान ना होइए। जो लोग पीछे पड़ चुके हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें, और जो लोग प्रैक्टिस पीछे नहीं पड़ चुके हैं वो पूरा सीरीज पढ़ लें एक बार। पीछे मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं बीच बीच में नहीं आ पा रहा था। अब हम आपकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए 2-3 दिन पर एक एक प्रैक्टिस बैच लाएंगे, और जिस दिन से एग्जाम डेट आएगा उस दिन से रेगुलर हो जाएंगे हम लोग, अपने टारगेट पर लग जाएंगे। कुछ बच्चे अपना रिजल्ट नहीं देख पाए थे, तो उनको रिजल्ट हम बता दें कि रिजल्ट के लिए हालांकि वीडियो बना चुके हैं, आप देखे ना चाहें तो आप देखे होते तो आपको पता लग गया होता, फिर भी 46.90 पर बना था। पेट में अगर आपका नंबर 46.90 अथवा इससे अधिक है, यानी कि लगभग 47 नंबर है अथवा इससे अधिक है, तो आप इसके लिए सिलेक्टेड हैं, इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और ये कटअप हर कैटेगरी पर लागू होता है, किसी एक कैटेगरी के लिए नहीं, सभी कैटेगरी के लिए 46.90 ही है। हम आपको बता दें कि इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के लिए ग्रुप भी बना हुआ, जो बच्चे ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगा, उस ग्रुप का लिंक, तो उसी ग्रुप में जाकर जुड़ जाएंगे, और जो जुड़ गए हैं तो जुड़ गए हैं, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, सबका साथ मिलेगा, उसमें मैं भी हूं, तो आपको हर समस्याओं का समाधान वहां से होता रहेगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो रेलवे में RRB NTPC के लिए भी वैकेंसी आ चुकी है, अगर उसकी वैकेंसी आपको फिल करना है उसके लिए मैंने ग्रुप भी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ग्रुप का भी लिंक पड़ा होगा, अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो उस ग्रुप से जाकर जुड़ जाइएगा, नहीं करना होगा तो मत जुड़िएगा। जिस बैच के आप होंगे उसी बैच से जुड़िएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को समय समय से मिल पाए।